हेलो फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस। वेलकम टू मैजिक पेंसिल पार्ट 3। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखा होगा। पार्ट 3 का नाम है मैजिक पेंसिल एंड क्रिसमस। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब से शकाला वाला हादसा हुआ है, जग्गू बहुत डर गया है और उसकी तबीयत भी खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो स्कूल भी नहीं आ रहा है। और उस दिन के बाद से साक्षी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं घर जाके जग्गू को फोन करता हूं। तो ये है वो लड़का जिसके पास वो मैजिक पेंसिल है। मुझे जल्द से ढूंढना होगा। मैजिक पेंसिल, पता नहीं जग्गू की तबीयत कैसी होगी, मुझे उसे फोन करना चाहिए। हेलो आशु। जग्गू, कैसी तबीयत है तेरी? पहले उसे ठीक है। शुक्र है। जग्गू, तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मैं स्कूल नहीं आऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जग्गू, तू ना स्कूल आना शुरू कर दे। देख, थोड़े दिनों में ना क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने वाली है, और ऐसे तू डर डर के कब तक घर में बैठा रहेगा? हाँ जग्गू, देख मैं ना अभी तेरे घर आता हूँ, थोड़ी देर तू मुझसे बातें करेगा ना तो तुझे अच्छा फील होगा। आशु, मैं आता हूँ कल तुझसे तेरे घर मिलने। ठीक है जग्गू, तू अपना ख्याल रख। ठीक है आशु, मैं कल आता हूँ। बाय बाय। जग्गू आजा। जग्गू, अब तेरी तबीयत कैसी है? बस ठीक है आशु। तो कुछ खाएगा? समोसा। वो क्या है ना आशु, मैं बहुत दिनों से बीमार था ना, तो मम्मी मुझे समोसा नहीं खाने दे रही। रुक जा, मैं अभी तेरे लिए समोसा लेके आता हूँ। मेरी मैजिक पेंसिल, जग्गू थोड़ा उदास है ना, तो उसको खुश करने के लिए एक टेस्टी सा समोसा बना दो। जग्गू, तेरा समोसा। थैंक यू आशु। जग्गू, तू इतने दिनों से स्कूल नहीं आया ना, और वो साक्षी भी इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई वो। क्या हुआ जग्गू? आशु, आशु मैं ना तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोल। आशु वो साक्षी, मैंने उसका पीछा किया, मैंने देखा कि वो साक्षी से चुड़ैल बन गई थी जिसका नाम शकाला था। उसे देखकर मैं बहुत डर गया था आशु, मैं बहुत डर गया था, और फिर मैं बेहोश हो गया था। मुझे कुछ याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ। इसीलिए शकाला मुझे जानी पहचानी लग रही थी। यही कारण था कि उस दिन जग्गू मुझे मैजिक पेंसिल के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि ये शकाला के वश में था। मुझे अपनी मैजिक पेंसिल को संभाल के रखना होगा। जग्गू, देख तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। ले तू समोसा खा। हाँ, और अब से ना तू स्कूल जरूर आना, थोड़े दिनों में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने वाली है ना। हाँ। तो क्रिसमस की छुट्टियों में खूब मजे करेंगे। हाँ तू समोसा खा।
वाओ, सुनना, मुझे पैसे कमाने की एक निंजा टेक्निक पता चली है अपस्टॉक ऐप के साथ। ये क्या होता है? रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। अपस्टॉक ना एक ट्रेडिंग ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग ट्रेडिंग ऐप है विद ओवर 1 मिलियन डाउनलोड्स। नॉर्मली अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको 25,000 तक डिपॉजिट करना होता है, पर अपस्टॉक ऐप आपका अकाउंट ओपन करवाता है बिल्कुल फ्री। और अगर आप ऐप रजिस्टर करने के 7 दिन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं मेरे रेफरल कोड से तो आपको मिलेगा 500 रुपए का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर एंड इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स ऑफ 28,000। और ये ऐप ना हिंदी में भी अवेलेबल है। अकाउंट खोलने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स के लिए सिर्फ पैन कार्ड लगेगा। यहाँ तक कि 25x मार्जिन्स, चार्टिंग टूल्स, लाइफ टाइम ट्रेडिंग और ना आप अपस्टॉक से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर अपस्टॉक ऐप नाउ। हाँ, मैं इसे अभी डाउनलोड करूंगा। मेरी मैजिक पेंसिल, फाइनली हमारी क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। जग्गू ना हमेशा क्रिकेट खेलते हुए बॉल घुमा देता है, क्या तुम मुझे एक मस्सी बॉल दे सकती हो? हाय जग्गू। हाय आशु। जग्गू भूल जान बातों को, देख मैं नई बॉल लेके आया हूँ ना। हाँ। चल क्रिकेट खेलते हैं। जग्गू। हाँ। ये लड़की कौन है? मैंने इसे सोसाइटी में पहले कभी नहीं देखा। आशु, मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ही देखा है। जब से मैं आया हूँ ना तब से ये वहीं पर बैठी हुई है। चल जग्गू क्रिकेट खेलते हैं। हाँ आशु। जग्गू। हाँ। ये लड़की आज भी अकेली खड़ी हुई है। हाँ। क्यों ना इससे जाके दोस्ती करें? हाँ आशु। सुन जग्गू, मैं बस अभी आया। हाँ आशु। बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मेरी मैजिक पेंसिल दिखा दे अपना कमाल। मैजिक पेंसिल, लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद है ना, तो वो इसे देख के खुश हो जाएगी। जग्गू। आशु कहाँ चला गया था? मैंने उस लड़की के लिए गिफ्ट लेने गया था। चॉकलेट? हाँ, लड़कियों को चॉकलेट्स पसंद होती है ना, तो मैं उसके लिए चॉकलेट्स लेके आया। कहाँ से लाया ये? मैज। हाँ चल ना, चल 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 उससे बात करते हैं। हाँ, चल ना। हाय। हाय। आपको पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ ना, अभी क्रिसमस वैकेशन के लिए दादा दादी के साथ रहने आई हूँ। ओके, आई एम आशु। हाय। मैं जग्गू। हाय जग्गू, मायसेल्फ सांची। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। इसकी क्या जरूरत थी? वो एक्चुअली हम इतने दिनों से नोटिस कर रहे थे कि आप अकेले बैठे हुए हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए आपके लिए गिफ्ट ले जाया जाए, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। वो क्या है ना, मेरा यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है,
बस इसीलिए मैं अकेले बैठी रहती थी। बाय द वे थैंक यू सो मच। बॉल बॉल बॉल। जग्गू तुझे कितनी बार बोला आराम से शॉट लगाकर, अब तो बॉल गई हमारे हाथ से। हाँ। तुझे पता है ना वहाँ पर एक खूसट बुढ़ा और चिड़चिड़ी बुढ़िया रहती है। लास्ट टाइम तूने उस बुढ़िया के अचार की बर्नी तोड़ दी थी ना, तुझे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मम्मी ने मुझे 15 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। अब तो बॉल गई हमारे हाथ से। वैसे आशु वो खूसट बुढ़ा और चिड़चिड़ी बुढ़िया मेरे दादा दादी है। सॉरी सांची, सॉरी। नो इट्स ओके, डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारी बॉल दे दूंगी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ नहीं आए? वो एक्चुअली आशु मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं बहुत छोटी थी जब कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, तब से मैं हॉस्टल में ही रहती हूँ और विंटर वैकेशन में अपने दादा दादी के पास और समर वैकेशंस में नाना नानी के घर रहती हूँ। वैसे आशु मुझे तो मैं थैंक यू बोलना था। क्यों? एक्चुअली मुझे बचपन से कभी किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं करवाया जितना तुमने करवाया। मुझसे दोस्ती करने के लिए तुमने मुझे चॉकलेट का बॉक्स दिया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम सांची। चलो खेलने चले। हाँ चलो चलो। यार जग्गू मुझे ना सांची के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा, इतनी कम उम्र में उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ आशु मुझे भी बहुत बुरा लगा। हाय आशु, हाय जग्गू। हाय आशु, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? वो सांची तुम्हारा क्रिसमस का क्या प्लान है? कुछ नहीं, क्यों? वो हमने ना तुम्हारे लिए ना। हाँ? नहीं नहीं कुछ नहीं। वो क्या हुआ ना कि मैंने इसको कुछ बताया था तो उसके बारे में बोल रहा हूँ। वैसे आशु यहाँ और बच्चे नहीं रहते क्या? क्यों? नहीं एक्चुअली क्या है ना, मैंने हमेशा बस आप लोगों को एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखा, बस इसीलिए। नहीं नहीं सारे बच्चे ना विंटर वेकेशन के लिए बाहर गए हुए हैं। तुम लोग नहीं गए? नहीं हम नहीं गए। एक्चुअली मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि समर वेकेशन में बाहर जाना है कि विंटर वेकेशन में, तो मैं ऑलरेडी समर में जाके आ चुका हूँ ना, तो फिलहाल हम कहीं नहीं जाने वाले। और मेरे पापा को तो छुट्टी ही नहीं मिली इसलिए मैं नहीं जा सकता। हाँ अच्छा हम लोग लूडो खेलें क्या? हाँ नहीं दम शरारत। ठीक है चलो मेरे घर में जाके। हाँ हाँ चलो। मेरी मैजिक पेंसिल विश यू मैरी क्रिसमस। मैजिक पेंसिल थोड़े दिनों में ना सांची जाने वाली है, मैं चाहता हूँ आज क्रिसमस के दिन ना हम उसको सरप्राइज पार्टी दें, तुम इसमें मेरा साथ दोगी ना? मैजिक पेंसिल क्यों ना मैं एक मस्त सी सेंटा क्लॉज की ड्रेस बनाऊं? हाँ आशु आशु जल्दी आना, डेकोरेशन भी करनी है, सांची भी आने वाली होगी। हाँ आता हूँ जल्दी आना। मैजिक पेंसिल मुझे ना फटाफट से सारा सामान रेडी करना होगा। क्रिसमस सॉक्स, ये मेरे लिए, ये जग्गू के लिए, अब ना मैं सांची के लिए बनाता हूँ। आशु आशु जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आशु कहीं शकाला फिर से आ गई तो? गधा कहीं का। मैजिक पेंसिल अगर इसने मुझसे पूछा मैं अंदर क्या कर रहा था तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा? फिलहाल मैं सेंटा क्लॉज की ड्रेस रहने देता हूँ, सिर्फ सेंटा क्लॉज का मास्क बना लेता हूँ। हाँ आशु आना। आ रहा हूँ।
आशु, 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 तुमने मुझे रेड ड्रेस पहन के आने के लिए क्यों कहा था? मैंने तुम्हें रेड ड्रेस पहन के आने के लिए कहा था क्योंकि चलो आशु, आशु, ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? आशु, वाह, जग्गू, आशु, आशु, ये सब मेरे लिए? हाँ, थैंक यू सो मच आशु, यू वेलकम, मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखने के लिए, थैंक यू जग्गू। वो क्या है ना सांची, तुम विंटर वेकेशन खत्म होते ही वापस चले जाओगी और हमें अगले साल मिलोगी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए हम एक स्पेशल पार्टी थ्रो करें। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। रुको, मेरे पास ना तुम दोनों के लिए एक हॉट सरप्राइज है, मैं बस अभी आया। सरप्राइज, 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 थैंक यू आशु, यू वेलकम। सांची, सांची, यार ये सांची बाहर क्यों नहीं आ रही है? यार पता नहीं। यार बुलाना। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? नमस्ते दादी जी। नमस्ते, नमस्ते। हाँ बताओ, किसको मिलना है? सांची से मिलना है। हाँ सांची? हाँ। कौन सांची? सांची आपकी पोती है। पोती? लेकिन मेरी तो कोई पोती है ही नहीं, मेरे तो दो पोते हैं जो विदेश में रहते हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, चल। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, अभी क्रिसमस वैकेशन के लिए दादा दादी के घर आई हूँ। वो घोसट बुढ़ा और चिड़चिड़ी बुढ़िया मेरे दादा दादी हैं। ओ थैंक यू सो मच आशु, तुमने मेरे लिए क्रिसमस की पार्टी रखी। मैं हूँ त्रिकाला, शकाला की बहन। शकाला की जादुई शक्तियां रानी माँ ने छीन ली थी, लेकिन मेरी जादुई शक्तियां अब भी बरकरार हैं। और अब मैं वो मैजिक पेंसिल हासिल करके रहूंगी। आशु और जग्गू मेरे किसी काम नहीं आए, उनसे दोस्ती करना मेरे लिए असफल रहा, और मैं पता नहीं लगा पाई कि वो मैजिक पेंसिल किसके पास है। आप उसे कुछ मत करना, मैं आपको आपकी मैजिक पेंसिल वापस करता हूँ, आप उसे कुछ मत करना प्लीज। तो ये है वो लड़का जिसके पास वो मैजिक पेंसिल है। तुमने शकाला को तो बेवकूफ बना दिया, लेकिन त्रिकाला को नहीं बना सकते। मुझे जल्द से जल्द इस लड़के को ढूंढना ही होगा और इससे वो मैजिक पेंसिल हासिल करनी होगी। मैजिक पेंसिल, सांची ने जिन्हें अपना दादा दादी कहा था उन्होंने तो मना कर दिया कि उनकी कोई पोती है ही नहीं, तो आखिर सांची है कौन और उसने हमसे झूठ क्यों बोला? कहीं वो तुम्हें मुझसे छीनने तो नहीं आई थी? मुझे बहुत डर लग रहा है मैजिक पेंसिल, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना मैजिक पेंसिल? आई लव यू माई मैजिक पेंसिल।
फटाफट से मोहक मिट के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें और कौन सी न्यू टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड डाउनलोड करें अपस्टॉक ऐप और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं बिल्कुल फ्री में और यूज करें मेरा रेफरल कोड और पाएं 500 रुपए का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर एंड इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स ऑफ 28,000। तो डाउनलोड करें अपस्टॉक, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।